हाय फ्रेंड्स मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्री थ्री ट्वेंटी फोर इंटू सेवन पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उड़ान सीरीज का थर्टीन पार्ट तो जे अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन है ही। और इसी दिशा में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं तो इट इज़ फॉर द पोस्ट कोड नाइन थर्टी टू इसके अलावा जो भी आपके जूनियर ऑडिटर या फिर और भी जो जे वे अकाउंट से एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बेसिकली अकाउंट सेक्शन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपके यहाँ पे मार्क्स भी कम बने फिर भी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन ओपन है कमेंट सेक्शन में ईजिली आप कमेंट कर सकते हैं कोई क्वेरी है डाउट है वो भी आप ईजिली कमेंट कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बहुत से टाइम सुना होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक है तो ये बेसिकली प्रिपेयर करती हैं इनमें से क्या प्रिपेयर करती हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पे जितने भी आंसर है यहाँ पे हाइड कर रखे हैं ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं कि चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है तो फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट इज ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है तो ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट ये तो वहीं पर गलत होगा या कभी भी आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले तो इसको नाइन्टी यही चांस रहते हैं कि वो आपको गलती देखने को मिलेगा तो बचा हुआ आपका बी और ए में से तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ये भी एक आप कह सकते हो एक एग्जामिनेशन में आपको इलिमिनेशन की टेक्निक होती है ठीक है यहां पे ओनली या फिर ओनली लिखा हो या फिर लिखा हो वट ठीक है कुछ ऐसा कुछ आपको जो डिफरेंट सा यहाँ पे मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो ठीक है तो उसको आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करके चल है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज की समरी है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन बी तो ठीक है बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज़ की समरी होते हैं तो दे आर द समरी ऑफ कैश एंड रिसीव पेमेंट्स ऑप्शन ऑप्शन बी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन रिस इन एडवांस बाई ए क्लब आर शोन तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपने शायद अगर आपने सीरियसली एलेन्थ और ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी की बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको आई होप इजीली अटेम्प्ट कर जाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है ठीक है एनसीईआरटी की बुक से तो सब्सक्रिप्शन सीड इन एडवांस बाई ए क्लब आर शोन तो ये कहाँ पे शोन होते हैं ठीक है तो आपने पहले ही एडवांस में ले लिया किसी से सब्सक्रिप्शन तो ये बेसिकली आपकी क्या बन जाएगी तो ये आपकी बन जाएगी लाइबिलिटी ठीक है तो लाइबिलिटी बन जाएगी ऑप्शन ऑप्शन सी लाइबिलिटी का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगती है यार तो प्लीज़ लाइक कर देना अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ठीक है आपका एक एक लाइक और शेयर करना मेरा मोटिवेशन और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ा देता है ठीक है इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है एट इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हो स्ट्रीट स्टडी डोनेशन सीट फॉर ए स्पेशल पर्पज इज एज ठीक है आप डोनेशन आपने डोनेशन ठीक है रिसीव की है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ठीक है आपने कभी को, कोई सपोज करो आपको किसी जगह कोई मंदिर बनाना है या फिर गुरुद्वारा बनाना है या फिर मस्जिद बनानी है या फिर क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे कहीं पे अनाथालय खोलना है ठीक है थीका? या फिर आपको एक वृद्धाश्रम खोलना है, तो उसके लिए आपने कोई डोनेशन रिसीव की है ठीक है कोई स्पेशल पर्पस है तो ये क्या है तो इट इज़ ए तो ये लाइबिलिटी नहीं रहेगी ठीक है क्योंकि आपने डोनेशन रिसीव किया है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए तो इट विल बिकम्स योर कैपिटल रिसीट ऑप्शन सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो जो भी आप रिसीट करते हो या पेमेंट करते हो तो ये किस तरह का अकाउंट है तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बहुत से बार आई होप आप इजीली अटैप्ट कर लोगे इट इज ए रियल अकाउंट ठीक है तो याद रखना रिसीट पेमेंट जो अकाउंट होता है ये बेसिकली क्या होता है ये आपका होता है रि, आ, रियल अकाउंट ठीक है ऐसे याद रखना आर पी आर ठीक है आर पी आर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ठीक है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीप किया हमने एडवांस में ड्यूरिंग द करंट ईयर ठीक है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ठीक है सब्सक्रिप्शन सीडीड इन द एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर तो हमने ऑलरेडी की देखा था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी एडवांस में किसके द्वारा क्लब के द्वारा या फिर आपने जो भी सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में ले ली तो वो बेसिकली आपकी क्या बन जाएगी तो वो आपकी बन जाएगी एक तरह से लाइबिलिटी इट इज़ नॉट एन यूर इट इज़ नॉट योर इनकम इनकम कहाँ से जनरेट होगी आप कुछ सेल कर रहे हो कुछ या फिर आप वर्क हार्ड कर रहे हो या किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो तो वहाँ से आपको कुछ सैलरी मिलती है वो आपकी इनकम बनती है या फिर आपकी कोई बिजनेस है वहाँ से आप सेल्स दे रहे हो ठीक है उसके बाद आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके बाद सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर करके जो आपके पास प्रॉफिट बचता है फिर उसके बाद आप कुछ टैक्स देते हो वो सब कम करने के बाद जो आपकी इनकम जो आपके पास पैसा बचता है वो आपकी एक तरह से आप कह आपके एक इनकम रहती है बट इट इज़ योर लाइबिलिटी तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप मूव करने से पहले यही कहूँगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप दोनों जगह जुड़ जाना इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चाहते तो ज्वाइन नाउ बटन पर इजिली क्लिक कर सकते हो नाउ बटन पर क्लिक करके अगर आप चाहे तो हमारी टीम को और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो दैट इज ओनली वॉलेंटरी वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इफ देयर इज ए मैच फंड ठीक है कोई मैच फंड है दम देन मैच एक्सपेंसेस एंड मैच इनकम आर ट्रांसफर टू ठीक है तो मैच एक्सपेंसिज और मैच जो इनकम है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी तो राइट आंसर रहेगा इट विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिट ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है तो जो मैच फंड होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो मैच एक्सपेंसेस और मैच इनकम है इट गेट्स ट्रांसफर टू इट्स लाइबिलटीज़ ठीक है लाइबिलिटीज़ ऑफ द बैलेंस शीट नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं यार पार्टनर से भी आपको पता क्वेश्चन पूछा है एक या दो तो पार्टनर के जो बेसिकली करंट अकाउंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन वैन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स ओपन होते हैं जब उनके कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं ठीक है जब उनके कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाए तब हम पार्टनर के करंट अकाउंट्स को ओपन करेंगे ठीक है जब उनकी कैपिटल फिक्स हो जाए तभी हम उसके करंट अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ठीक है फिक्स्ड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू ठीक है तो इंटरेस्ट जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर है उसमें जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ठीक है ठीक है तो आपको बताना है ये कहाँ पर क्रेडिट होता है तो ये क्रेडिट होता है बेसिकली आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑप्शन सी दोस्तों पार्टनरशिप के ऊपर और भी मैं आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनमें क्वेश्चन देखे आऊँगा क्योंकि पार्टनरशिप में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें अमूमन पेपरों में तो हम ट्राई करेंगे यार जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो तो एटलीस्ट हम अटैम्प्ट करके जाएँ ठीक है इन द एबसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू तो द कंट्रेरी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द ठीक है तो जब भी कोई एग्रीमेंट हो किसी पार्टनर पर ठीक है तो कोई भी एबसेंस हो एग्रीमेंट में तो जितने भी आपके शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं इसमें बेसिकली क्या होगा तो इन द एबसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट तो बेसिकली ये इक्वल रेशो में हो जाएंगे ठीक है सपोज करो मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है मैंने कि यार हम दोनों पार्टनर हैं या सपोज करो हम तीन पार्टनर हैं तो मैंने वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि एग्रीमेंट क्या है कल को सपोज करो सपोज तीन तीन पार्टनर हो गए मैंने कुछ बोला ही नहीं है कि इसमें पार्टनरशिप का शेयर क्या है तो ये ऑटोमेटिकली थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट हो जाएगा अगर मैं बोल दूँ कि ये सपोज करो ये मेरे पास तीन पार्टनर है ठीक है ये मेरे पास तीन पार्टनर है वन टू और थ्री ठीक है पार्टनर ए का नाम है जैसे सपोज कर लो राम ठीक है पार्टनर टू का नाम है कबीर पार्टनर थ्री का नाम है आ, कुछ भी मैं मान लू शाम ठीक है तो मैंने बोल दिया जो राम है उसका फिफ्टी परसेंट पार्टनरशिप शेयर है कबीर का थर्टी परसेंट है और शाम का ट्वेंटी परसेंट है तो उस केस में क्या होगा उसकेर में बाइंडिंग हो जाएगी कि, कि कुछ भी कल को लॉस होता है तो इस तरह से वो लॉस जाएगा और इस तरह से वो प्रॉफिट जाएगा पचास राम को देना पड़ेगा तीस कबीर को बीस परसेंट शाम को बट जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा उस केस में उस केस में वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाएगा इन द एबसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी द पार्टनर सर ठीक है तो इन द एबसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी द पार्टनर सर बेसिकली दे आर नॉट टाइटल्ड फॉर बेसिकली इंटरेस्ट इन दे कैपिटल तो उनको कोई भी इंटरेस्ट इन टाइटल के लिए वो एलिजिबल नहीं रहते हैं ठीक है ऑप्शन डी द करेंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर तो बेसिकली जो करंट अकाउंट होता है पार्टनर का इसमें क्या हो सकता है इट विल हैव ए डेबिट बैलेंस सही है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है इसमें दोनों भी हो सकते हैं मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर कुड कैरी है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो चलिए दोस्तों आने वाली वीडियो में और भी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा अगर आप चाहें तो इनको साथ में नोट्स बनाकर जरूर रख लेना हो सकता है कि यहाँ पे अकाउंट्स में जेवी अकाउंट्स में ना भी क्वेश्चन देखने को मिले बट फ्यूचर कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे अकाउंटेंसी का जरूर ये क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड देखने को मिलेंगे और मैंने इसलिए हाई लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बिल्कुल मैंने ऐसे कुछ की पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा क्लोज कब होगी ये कब होगी वो कब होगी सिंपल से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया मुझे पता है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के कर लोगे बट ऐसे क्वेश्चन मैंने include, इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि अभी आपको एग्जाम का ट्रेंड समझना है आपको भीड़ से थोड़ा सा लग होकर चलना है तो चलिए दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ये आंसर की है अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो जो भी आपको इसके अलावा जो भी आपकी वीडियो की अपडेट होंगी वो आप जैसे ही सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दोगे तो उससे भी मिलती रहेंगी सो थैंक यू सो मच बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज कॉल रेस यूअर